लखीसराय से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 24 घंटे से लापता छात्र देव कुमार का शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि बीते 31 अक्टूबर को छठी क्लास का छात्र देव घर से स्कूल के लिए निकला था, जिसके बाद घर नहीं पहुंचा। परिजन काफी खोजबीन के बाद नगर थाना को सूचना दिए। वहीं आज दोपहर बाद परिजनों को सूचना मिली कि नगर थाना क्षेत्र से महज कुछ ही दूर पर क्यूल नदी में एक शव पड़ा है। इसकी सूचना पर जब परिजन पहुंचे तो पाया कि लापता देव का शव वहां मौजूद है। मृतक छात्र के शरीर पर गंभीर चोट के निशान है और परिजन हत्या का आरोप लगाकर जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे एसएसपी रोशन कुमार ने मृतक के परिजन से पूछताछ कर आगे की कार्यवाही में जुट गए हैं। एसएसपी रोशन कुमार ने बताया कि छात्र देव कल सुबह से लापता था। पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना के कारणों का पता चल पाएगा। देखिए, मामला है कि देव कुमार, पिता का नाम अरविंद कुमार गुप्ता, कल स्कूल आया था। स्कूल के बीच में ही कल उसका दो सिटिंग एग्ज़ाम था, 10 से 12 और 1 से 3। उसके बीच में विद्यालय से वो निकल गया है। उसके साथ एक और उसके दोस्त के बारे में पता चल रहा है कि उसके साथ ही निकला था, लेकिन जो लड़का उसके साथ निकला था उसने दोनों एग्ज़ाम दिया, जैसा कि स्कूल के शिक्षक बता रहे हैं। उसके बाद वो कहाँ गया और क्या घटना हुई, उस संबंध में भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जैसा होगा आपको। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं और शरीर पे भी कई जगहों पे निशान है सर, गहरा निशान। लेकिन इस पर अस्पष्ट, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाएगा कि किस मौत किस प्रकार हुआ है, तो इस बारे में स्पष्ट रूप से हम अभी आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। कल शाम में ही सर दिया गया था सूचना, उसके बाद पुलिस की उसके बाद उसके गार्जियन के साथ और उस बच्चे के माँ बाप, जो दूसरा बच्चा उसके साथ था, उसके माँ बाप से भी बात किया गया था। अभी हम लोग उसके माँ बाप से मिलने जा ही रहे थे, मोकामा का लड़का है, तभी सूचना मिली कि सब यहाँ बरामद हुए। उसके बाद जो थाना अध्यक्ष वापस लौट के आए, उसके परिवार के लगातार संपर्क में थे। उसका परिवार ही बताया कि जो दूसरा बच्चे के उसके साथ गायब होने की सूचना मिली, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि दो बच्चे के गायब होने की सूचना मिली, तो उसमें सूचना मिला कि एक बच्चा घर पहुँच गया है, तो हम लोग उससे पूछताछ करने जा ही रहे थे। तब तक ये बच्चे के सब मिलने की बात सामने आई। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे आप देखिए, सब एंगल से अनुसंधान किया जा रहा है कि बच्चा आखिर गया तो किसके साथ गया, उसके साथ जो बच्चा उसके साथ गया था उससे बात करने पे ज़्यादा चीज़ क्लियर हो पाएगा, क्योंकि स्कूल से तो इस बात का वेरिफिकेशन हो रहा है कि बच्चा एग्ज़ाम नहीं दिया, बैग उसका स्कूल में ही था, तो स्कूल के बीच में ही वो यूनिफॉर्म में ही स्कूल से निकला। उसके आगे का हम लोग जो अनुसंधान करेंगे, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई कब तक होगी? ये तो पहले हमको थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा इसको अच्छे से समझने के बाद जो आगे आता है मामला उसके हिसाब से हमें कार्रवाई होगी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।